नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं गूगल क्रोम का एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि ये सेटिंग आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। कई बार होता है क्या कि आप गूगल क्रोम में कोई भी साइट को खोलते हैं, कई बार ऐसा भी साइट खोल देते हैं जो कि आपको उसमें ज़्यादा जरूरी नहीं रहता, उसका नोटिफिकेशन आपको बार बार आते रहता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा किस तरह आप अपने गूगल क्रोम का नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। कई बार होता है फ्रेंड्स कि आप गलत चीज़ गूगल क्रोम में सर्च कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आप अलाउ कर देते हैं। कई बार होता है कि जैसे उसका उस साइट को खोले उसमें अलाउ का परमिशन आता है, आप गलती से अलाउ कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें बार बार आपका नोटिफिकेशन देते रहता है गूगल क्रोम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं यही एक छोटा सा सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि आप किस तरह आप उस गूगल क्रोम में नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दे दोस्तों। दोस्तों जब बेल आइकन को आप दबाएंगे फ्रेंड्स तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उसको आप दबा दीजिएगा। तो इस तरह का जब भी मैं कोई वीडियो लाऊंगा फ्रेंड्स तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स एंड कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताएं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह आप गूगल क्रोम का नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में चले फ्रेंड्स। तो देखिए मैं अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाता हूँ। गूगल क्रोम में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो थ्री डॉट है फ्रेंड्स सबसे कोने में देखें, यहाँ जो थ्री डॉट है इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप सेटिंग में चले। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे साइट सेटिंग, तो साइट सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर दें फ्रेंड्स। तो देखिए मैं साइट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स एक्चुअली मैं कोई भी गूगल क्रोम में ऐसा साइट खोलता हूँ तो उसको अलाउ एक्चुअली मैं करता नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर कि आप भी कोई भी साइट ऐसा खोलें उसको अलाउ का परमिशन ना दे फ्रेंड्स। अगर मान कर चले वाई द वे कभी आपने अलाउ का परमिशन दे दिया होगा आपने, तो इसी तरह आपका नोटिफिकेशन में आपको जैसे कि मेरा यहाँ पे वन को शो कर रहा है, उसी तरह आपका जितना भी आप किसी भी साइट को अलाउ किए होंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे सारा का सारा शो करेगा फ्रेंड्स। यहीं पे आप डिलीट कर सकते हैं जो भी गूगल क्रोम में आपने नोटिफिकेशन को अलाउ कर दिया है वो यहीं पर मिलेगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको मानकर चलिए यहाँ पे आप जैसे ही आप गूगल क्रोम में जाकर नोटिफिकेशन बार में खोलते हैं फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन खोलते हैं तो यहाँ पे आपको जितना भी आपने अलाउ किया है सारा का सारा यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैंने किसी को भी नहीं ज़्यादा कर नहीं अलाउ करता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा एक ही है। अगर मान के चले यहाँ पे मेरा 10-20 रहता तो मेरे को यहाँ से ही मैं इसको डिलीट करता फ्रेंड्स। तो मान के चले यहाँ पे आपको 10-12 है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर जैसे ही आपको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और उसके बाद ऑल क्लियर पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, क्लियर ऑल, तो उसके ऊपर यहाँ पे मैं जैसे इसको क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। अब मेरा इस तरह का इस पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा गूगल क्रोम में, इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आपके गूगल क्रोम में इस तरह का सारा है तो आप आवश्यकता अनुसार सभी को चुन लें और उसके बाद जो जो आपको लग रहा है कि ये साइड मेरे को यूजफुल नहीं है तो उसको नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कॉमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।